नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप ले किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे, यह बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे सॉक्स में, शूज में, कैप में, हैट में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, किसी भी बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। ऐसे 6-6 फंदे गिने तो लास्ट में 2 फंदा बचना चाहिए, तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो बॉर्डर बनाने के बाद हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे और 2 फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर 4 फंदा सीधा बनेंगे। 1, 2, 3 और 4। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 2 फंदे को स्लिप करना है और 4 फंदे को सीधा बुनना है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बहुत खूबसूरत। आप इसे पूरा देखिएगा। यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में 2 फंदा बचेगा तो उसे हम स्लिप कर लेंगे। तो पहली लाइन में हमने 2 फंदा स्लिप किया, 4 फंदा सीधा बुना, 2 फंदा स्लिप किया, 4 फंदा सीधा बुना। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे जिसे हम स्लिप कर लेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारा दूसरा लाइन है। तो स्लिप किए हुए फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए 4 फंदे इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। बाद ऊन को अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे पर्ल वाइज और ऊन दूसरी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो अब फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। उनको अपनी ओर किया, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप किया, उनको दूसरी ओर और बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह ये दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। उन अपनी ओर, लास्ट में 2 फंदे हैं, इन्हें हम स्लिप कर लेंगे। अब हम तीसरी लाइन में अपने प्राइमरी कलर से, यानी बॉर्डर वाले ऊन के रंग से बुनेंगे। तो 2 फंदा हमारे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, फिर ये 1 फंदा इसे स्लिप करेंगे। देखिए, जो हमने दूसरे कलर का 4 फंदे बुने थे, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे और तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। फिर ये हमारा 2 फंदा स्लिप किया हुआ था, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब फिर देखिए, हमारे दूसरे कलर के 4 फंदे हैं, तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर चौथे फंदे को स्लिप कर लेंगे। यानी कि 4 फंदों में से दोनों लास्ट फंदे, शुरू के फंदे और लास्ट के फंदे, इसे हमें स्लिप करना है और बीच के 2 फंदे हैं, इन्हें हमें सीधा बुन लेना है। यानी 2 फंदा सीधा, 1 फंदा स्लिप करना है, फिर 2 फंदा सीधा, 1 फंदा स्लिप करना है, 2 फंदा सीधा, 1 फंदा स्लिप करना है, 2 फंदा सीधा, 1 फंदा स्लिप करना है, लास्ट में 2 फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, तो हमने थर्ड लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये हमारा चौथा लाइन है। तो चौथे लाइन में प्राइमरी कलर वाले फंदे उल्टा बुनेंगे और ये स्लिप किया हुआ फंदा, सेकेंडरी कलर वाला फंदा जो है, इसे स्लिप कर लेंगे। बुने हुए फंदे हम उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे।
बुना हुआ फंदा उल्टा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बनने के बाद बेहद खूबसूरत लगता है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं, तो आप इसे जरूर आजमाइएगा। तो हमने चौथी लाइन कंप्लीट कर ली। अब पांचवी लाइन में हम अपने सेकेंडरी कलर से वापस बुनेंगे, तो तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक दो और तीन। तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे और देखिए दो फंदा जो बीच का है इसे हम स्लिप करेंगे, तो इसे स्लिप किया। फिर अब चार फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन और चार। चार फंदा हमने सीधा बुना। अब फिर ये दो बीच के फंदे हैं, डिज़ाइन के बीच वाले दो फंदे हैं, इसे हम स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट चार फंदे हम सीधा बुनेंगे और बीच के दो फंदे इसे हम स्लिप कर लेंगे। फिर हम चार फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार। और जो हमने देखिए ये डिज़ाइन बनाया था, तो बीच के ये जो दो फंदे हैं इसे हमें स्लिप करना है। लास्ट में तीन फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने पांचवा लाइन कंप्लीट कर लिया। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे सीधा बुनेंगे, बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, ऊन दूसरी ओर, बुना हुआ फंदा सीधा, यानी चार फंदे हम सीधे बुनेंगे, ऊन अपनी ओर और जो दो फंदा हमने स्लिप किया था उसे स्लिप कर लेंगे, ऊन दूसरी ओर। फिर नेक्स्ट चार फंदे हम सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर, दो फंदा स्लिप कर लेंगे, ऊन दूसरी ओर, चार फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर, दो फंदा स्लिप करेंगे। लास्ट में तीन फंदा है जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने छठा लाइन कंप्लीट कर लिया। सातवीं लाइन में फिर हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे और अब देखिए तीन फंदे हैं, तो साइड वाला फंदा इसे हम स्लिप करेंगे और बीच के दो फंदे, ये दो फंदे हम सीधा बुनेंगे और ये साइड वाला फंदा इसे हम स्लिप करेंगे। अब फिर ये दो फंदे हैं तो इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर डिज़ाइन का ये दोनों साइड वाले फंदे, डिज़ाइन के दोनों साइड वाले फंदे इसे हम स्लिप करेंगे। चार फंदों में से बीच के जो दो फंदे हैं उसे हमें सीधा बुनना है और किनारे किनारे वाले फंदे इसे हमें स्लिप कर लेना है। फिर ये देखिए दो फंदा स्लिप किया हुआ था, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब फिर ये डिज़ाइन आ गया, तो किनारे किनारे के दोनों फंदे हमें स्लिप करने हैं और बीच का फंदा, दो फंदा जो है उसे हमें सीधा बुनना है। तो दो फंदा सीधा बुना, तीसरा फंदा स्लिप किया, फिर नेक्स्ट दो फंदा सीधा, फिर तीसरा फंदा स्लिप किया, फिर दो फंदा सीधा, तीसरा फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा। इस तरह करते हुए सारे फंदे हम बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर बुना हुआ दो फंदा इसे हम उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। तो दो फंदा उल्टा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर यहां से हमारा पहला लाइन शुरू हो जाएगा, यानी दो फंदों को स्लिप करेंगे और चार फंदा
सीधा, सेकेंडरी कलर के उल से चार फंदा सीधा, फिर दो फंदा, ये देखिए डिज़ाइन के बीच वाला जो दो फंदा था उसे हमें स्लिप करना है, और फिर चार फंदा सीधा, फिर दो फंदा स्लिप करना है, फिर चार फंदा सीधा, यानी हमारा पहला लाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं आठों लाइनों को दोहराते रहने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए कितना सुंदर है, सामने से ये ऐसा है और पीछे से ऐसा। एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे कलर के ऊन से बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.